ठीक है मैं आपको यहां पे ये दिखा रहा हूं कि कंसोलेशन कैसे होगा चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं आपको ओके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले डेटा के अंदर में और डेटा के अंदर में आपको ऑप्शन लेने होंगे कॉन्सोली डेट क्या लेने होंगे कॉन्सोली डेट तो चलिए मैं डेटा के अंदर कॉन्सोली में जाता हूं यहाँ पे हमारे पास डेटा रेंज पहले से जो सिलेक्टेड है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले जानते हैं फंक्शंस फंक्शंस हमें बताता है कि आपको कौन सा काम करना है किस फंक्शंस के लिए आप डेटा कंसोलिडेट करना चाहते हैं आप सम भी कर सकते हैं आप काउंट भी कर सकते हैं आप एवरेज भी कर सकते हैं आप मैक्स मीन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं तो सबसे पहले मैं सम करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सम फंक्शंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है कौन से फंक्शन को मैंने सेलेक्ट किया मैंने सम फंक्शन को सेलेक्ट किया इसके बाद हमारा आता है सोर्स रेंज सोर्स डेटा रेंज वो रेंज है जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है तो हमारा सबसे पहले सोर्स डेटा रेंज जो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूं मैं इसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा सिलिंक करना होगा और यहाँ से इंटायर डेटा को सेलेक्ट करके इसे एक्सपेंड करना होगा और इस एड बटन पे क्लिक करना होगा इसके बाद सेकेंड डेटा सेट्स को मैं तैयार सेलेक्ट कर देता हूँ इसके लिए फिर से मैंने उसे स्रिंग कर दिया बटन को और यहाँ पे आके डेटा को सेलेक्ट करके फिर एक्सपेंड करता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ इसके बाद इसका क्वेश्चन होता है कॉपी रिजल्ट टू

लिंक टू सोर्स का मतलब हो गया कि अगर हम इस में कहीं कोई चेंज करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट डेटा है उसमें भी चेंज आएगा चलिए मैं यहाँ पे ओके बटन करके दिखाता हूँ ओके पे क्लिक करके दिखाता हूँ ये देखिए हमारे सामने कंसोलिडेट डेटा आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं रेखा सीट वन का डेटा है ये और ये रेखा सीट

और यहाँ पे सिर्फ़ सिर्फ़ फ़ंक्शंस को चेंज करते हैं क्योंकि हमने तो तो सेलेक्ट कर रखा था तो हमें सिर्फ हमें सोर्स और रिजल्ट कॉपी करना है इस चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा इतना करने तरह से आप okay रिजल्ट तो को देख सकते हैं so तो सब का मतलब हो गया कि अगर आप जैसे या प्रोडक्ट वाइज़ आपको कोई टोटल कैलकुलेट करना हो तो दैट इज कॉल्ड सब टोटल एक्चुअली सब टोटल ओपन ऑफिस राइटर में एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके लिए मतलब ग्राफिकल बेस इंटरफेस अवेलेबल है और वो आप यूज कर सकते हैं डेटा मेनू के थ्रू तो कैलकुलेटिंग सब टोटल का जो एडवांटेज है टोटल एंड सब टोटल का वो डेटा को एनालाइज करने के काम में आता है जब यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो अगर मान लीजिए डे वाइज मुझे calculations देखने हैं या प्रोडक्ट वाइज मुझे कुछ कैलकुलेशन देखने हैं तो उस परपज के लिए हम कैलकुलेटिंग सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं आइए मैं आपको कैलकुलेटिंग सब टोटल करके दिखाता हूँ ओपन ऑफिस राइटर में जैसा कि आप देखिए आपके सामने मैंने ओपन ऑफिस राइटर खोल रखा है और मेरे पास ये डेटा है मैंने मंथ वाइज मैंने डे वाइज और प्रोडक्ट वाइज मैंने कुछ डेटा एंट्री की है कि मंडे को टी शर्ट की सेल इतनी थी फिर मंडे को लोअर की सेल इतनी है मंडे को फुल स्लीव की सेल इतनी है ट्यूजडे ट्यूजडे वेन्सडे इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है ठीक है लिख रखा है यहाँ पे आइए अब इसका सब टोटल निकालते हैं सब टोटल के लिए सबसे पहले आपको इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा मेनू पे जाएंगे और डेटा मेनू के अंदर में आपके पास ऑप्शंस आएगा जब आप डेटा जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब टोटल जब आप सब टोटल्स पे जाएंगे तो आपके सामने सब टोटल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब टोटल्स के अंदर में टोटल चार ग्रुप होते हैं चार टैब होते हैं ग्रुप तीन होते हैं फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप और ऑप्शन के अंदर में अलग अलग ऑप्शनस मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स डालने के लिए खेत सेंसिटिव के हिसाब से काम करने के लिए प्री शॉर्ट एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स डाटा को शॉर्ट करने के लिए डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो फॉर्मेटिंग इंक्लूड कर सकते हो कस्टम शॉर्ट ऑर्डर भी आप डिफाइन कर सकते हो अगर कोई ऑर्डर आपको यहाँ पे देखना है तो आप हिसाब से कस्टम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलता है चलिए मैं एक नॉर्मल तरीके से इसको एकदम सिंपल सेटिंग्स के साथ पहले करता हूं अब ये ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप अलग-अलग तरीके से इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं जैसे डे वाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं या अगर डे के अंदर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट्स की एंट्री हो गई तो उसमें डे वाइज कम प्रोडक्ट वाइज ऐसा भी हम कर सकते हैं ठीक है थर्ड ग्रुप यानी कि आप तीसरा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ सबसे पहले मुझे डेटा को सेलेक्ट करना होगा एक बार फिर से मैंने डेटा को सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद हम सब टोटल पे गए यहाँ पे इसने बोला ग्रुप वन मैंने डिवाइड किया टोटल किसका निकालना है तो टोटल सेल अमाउंट का निकालना है ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन न्यूमरिकल होना चाहिए कौन सा कैलकुलेशन करना है सम करना है काउंट करना है एवरेज करना है मैक्स करना है तो जो भी क्या है आप वो ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं मैंने फंक्शन सम लिखा सम लिख के मैंने इसको ओके okay कह दिया जैसे मैंने ओके okay किया आप देखिए यहाँ पे डे वाइज आपका मंडे का टोटल आ गया ट्यूसडे का टोटल आ गया ग्रैंड टोटल वेडनेसडे का टोटल आ गया और ओवरऑल ग्रैंड टोटल भी हमारे पास अवेलेबल है वापस हम सब टोटल में चलते हैं और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ रीसेट करने के बाद ये हमारा डाटा रिसेट हो जाएगा चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ से डेटा पे आता हूँ सब टोटल्स पे जाता हूँ और यहाँ से इस बार मैं प्रोडक्ट मतलब सेकेंड ग्रुप ले लेता हूँ मान लो प्रोडक्ट ले लिया और हमें सेल अमाउंट का टोटल चाहिए तो देखिए अब ये प्रोडक्ट वाइज आपका टोटल आ रहा है फुल स्लीव्स का हाफ पैंट का लोअर का लोअर शर्ट्स का लो टी शर्ट्स का सबका मतलब हो गया तो प्रोडक्ट वाइज ये हमारा टोटल निकल के आ रहा है एक बार मैंने कंट्रोल जेड किया फिर से हम डेटा पे आ गए सब टोटल्स पर आ गए अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट ग्रुपिंग तो डे के बेसिस पे करना है सेल अमाउंट्स का कैलकुलेटर निकालना है सेकेंड ग्रुप मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे करना चाहता हूँ

मैंने क्या लिख दिया लोअर ही लिख दिया ठीक है तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा पे जाएंगे डेटा के अंदर आप सब टोटल पे जाएंगे पहला ग्रुप तो हमारा डे है डे वाइज में हमें सेल्स अमाउंट का टोटल निकालना है सेकंड ग्रुप हमने प्रोडक्ट को लिया और हमें सेल अमाउंट्स का ही टोटल चाहिए ओके कर देते हैं तो अब देख सकते हो आप डे वाइज में ग्रुपिंग करके इसने लोअर का निकाल दिया और ओवरऑल मंडे का भी इसने हमें सम दिखा दिया तो यहाँ पे आपको टोटल अब दिख सकता है तो प्रोडक्ट वाइज भी हमें सम मिल गया और डे वाइज भी सम मिल गया और हमें ग्रैंड टोटल भी मिल गया सिनारियोस होता क्या है सिनारियोस का क्या मतलब है तो सिनारियोस इज एसेंशियली अ सेव सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशंस मीन्स कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को हम सेव करके रखते हैं अलग-अलग सिनेरियो अलग-अलग सीन के हिसाब से कुछ अलग वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाते हैं फिर एक अलग वैल्यू का कॉम्बिनेशन आते हैं और हम उसके रिजल्ट को चेक करते हैं उसे ही हम सिनेरियो कहते हैं एक्चुअली सीनाओज़ एक टूल है जो हमें वॉट इफ़ क्वेश्चन के सोल्यूशंस में आंसर देने में हेल्प करती है अगर आपको ये जानना हो कि प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू अगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के बजाय फोर्टी फाइव थाउजेंड हो जाए तो अमाउंट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फॉर दैट पर्पज़ हम सीनारी क्रिएट करते हैं हर एक सीनाओज़ का एक नाम होता है हम उसको एडिट कर सकते हैं हम उसकी फॉर्मेटिंग सेपरेटली कर सकते हैं हम एक सीनारियो से दूसरे में कर सकते हैं एक है, है, नेविगेटर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आपका इस नेविगेटर की मदद से आप स्विच टू भी कर सकते हैं जब कभी भी आप किसी सीनारियोज को प्रिंट करेंगे तो जो करेंट सीना की वैल्यू दिख रही होगी वही प्रिंट होगी जो पीछे वाले सीनारियोज हैं उसकी वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगी प्रिंट के अंदर में आइए मैं आपको सिनेरियोस सिनेरियोस करके दिखाता हूं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो। एक मैंने कैलकुलेट तो होके आ रहा है लेकिन जब मैं कंपाउंड टू कह रहा हूँ तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और टू के हिसाब से हमारा अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है आइए इस सिनेरियोस को कैसे बनाते बनाते हैं? इसे भी जान समय आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मिनिमम दो वैल्यू होने चाहिए और ये आपके पास एक ऐसे सेल होने चाहिए जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो रहा हो और वो कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस्ड पे हो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है इसके अंदर में फॉर्मूला दिया गया है अमाउंट और कंपाउंड को कैलकुलेट करने के लिए आइए सीनारियोज करते हैं उसके लिए सबसे पहले आप उन सारे एक्टिव सेल जिसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर ले इंक्लूडिंग फार्मूला सेल उसके बाद आप टूल्स मेनू पे जाएंगे टूल्स मेनू के अंदर में आपको सीनारियोज ऑप्शन दिखेगा सीनारियोज पे जाते ही आपके सामने क्रिएट क्रिएट सीनारियोज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको सिनारियोज का नाम बताना है तो मैंने सीनैरियोज का नाम बता दिया इंटरेस्ट ठीक है उसके बाद आपको कमेंट बताना है कमेंट आप दे भी सकते हैं और आप चाहें तो इसी कमेंट को रहने भी दे सकते हैं उस कमेंट से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ये आपकी सुविधा के लिए है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं के को डिस्प्ले से डिस्प्ले बॉर्डर को आप ऑन कर सकते हैं या इसे ऑफ कर सकते हैं कॉपी बैक को ऑफ कर दीजिए कॉपी एंटायर सीट को भी आप ऑफ कर दीजिए प्रिवेंट चेंज को भी आप ऑफ कर दीजिए यहां से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं कलर डिसाइड करने के बाद आप ओके कर दीजिए ये कलर एक्चुअली बॉर्डर कलर है का बॉर्डर कलर आप इसे ओके कीजिए आपके सामने देखिए हो चुका है आइए सीना की वैल्यू को मैं चेंज करके दिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वन देखिए थर्टी फाइव थाउजेंड अब मैं क्या करूंगा अब मैं इस वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ मैंने यहाँ पे फोर्टी लिख दिया ठीक है अब आप, आप देख सकते हैं यहाँ फोर्टी फाइव थाउजेंड लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहां पे टेन कर देता हूं टाइम को मैं यहाँ पे फाइव कर देता हूं और इसके हिसाब से हमारी वैल्यूज आ जाती है अब मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को फिर से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि तो अभी मैंने वैल्यू को चेंज किया है चेंज करने के बाद वापस मैं जाऊंगा टूल्स मेनू पे टूल्स मेनू के अंदर मैं सिनेरियोज को लूंगा इस सिनेरियोज डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं मैं अपने सिनेरियोज का नाम दूंगा मैंने इसका नाम दे दिया कंपोनेटेस्ट टू यहा मैं इसे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ कॉपी पर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ और इसके बाद मैं सीधा ओके बटन पे क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो सीनारियोज से अगर आप चेक करेंगे तो थर्टी और थ्री के हिसाब से

गोलसिक आपको एक फैसिलिटी देती है जिसमें कि आप ये पता कर सकते हो कि अगर हमें ओवरऑल परसेंटेज 90 चाहिए 85 चाहिए तो यूटी में हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा हमें कितने स्कोर लाने पड़ेंगे मतलब आपको ये वैल्यूज पता करने की फैसिलिटी देती है आउटपुट के बेस्ट पे रिजल्ट के बेस पे पहले आप टारगेट वैल्यू डिसाइड करते हैं और टारगेट वैल्यू के बेस पे इनपुट वैल्यू को डिसाइड करने का काम हम गोलसिक से करते हैं आइए मैं आपको ओपन ऑफिस कैल्क में लेके चलता हूं और यहाँ पे दिखाता हूँ गोलसिक के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ओपन ऑफिस यहाँ पे कि जो ओवरऑल परसेंटेज है बच्चे का वो 74 परसेंट है जब यूटी थ्री यूटी वन में 83 परसेंट एग्जाम नंबर आए थे और यूटी टू में अगर वो ज्यूम कर रहा है कि उसके 65 आएंगे तो उसके 74 आएगा जबकि बच्चा ये सोच रहा है कि उसे 90 चाहिए यहाँ पे तो आखिर ये 90 परसेंट लाने के लिए उसे क्या करना होगा आपको टूल्स मेनू में जाके गोलसिक को स्टार्ट करना होगा जब आप गोलसिक को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे आपके पास गोलसिक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर में आपको बताने होते हैं तीन वैल्यू सबसे पहला वैल्यू होता है फॉर्मूला सेल फॉर्मूला सेल वो सेल है जहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ रिजल्ट कैलकुलेट आया है तो आपको क्या करना है यहां पे फॉर्मूला सेल को सेलेक्ट कर लेना है इसको मिनिमाइज करके फिर आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए उसके बाद टारगेट वैल्यू में आपके पास क्या टारगेट वैल्यू है अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे नाइन्टी स्कोर लाने हैं तो मुझे कितनी मेहनत करनी होगी ठीक है वेरिएबल सेल में पूछता है कि किस वेरिएबल किस सेल के अंदर में आप चेंज करना चाहते हो आप सी और बी किसी में भी चेंज कर सकते हो बट ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्मूला आपने ये लिखा था यहां पे वो फॉर्मूला जिन सेल से रिलेटेड है उसी सेल में से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे इसके बाद आपको काम करना है आप ओके पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया आपके सामने मैसेज आया गोल सिक सक्सेसफुल इंसर्ट वैल्यू नाइनटी सेवन इंटू द करेंट सेल अगर आप यहां पे येस कर देंगे तो नाइनटी सेवन वैल्यू वहां पर इंसर्ट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे चलिए एक बार मैं फिर से आपको टूल्स मेनू पे ले जाता हूँ और यहाँ से गोल के स्टार्ट करता हूँ इस बार हमारा फॉर्मूला सेल 53 है मतलब ये 55 मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया D53 को टारगेट वैल्यू इसने बोला कि भाई मुझे तो 75 परसेंट ही नंबर चाहिए वेरेबल सेल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आप, आप अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कर्सर सीधा क्लिक कर दीजिए आप देख सकते हैं कि गोलसिक सक्सेसफुल इंसर्ट सर्ट रिजल्ट एटीफाइव इन टू द करेंट मैं यहाँ पे नो no कर देता हूं अगर मैं नो no कर दूंगा तो हमारा प्रीवियस वैल्यू ही यहां पे दिखाई देगा इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा तो इस तरीके से आप गोलसिक कर सकते हैं सॉल्वर के बारे में जानते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि सॉल्वर हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जिस टूल्स को यूज करके आप टारगेट वैल्यू के बेस पे इनपुट वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं चेंजेस को डिसाइड कर सकते हैं इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ गोलसिक द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गोलसिक एंड द सॉल्वर की गोलसिक इज वर्क विद द सिंगल वेरिएबल सिंगल इनपुट वेरिएबल व्हाइल सॉल्वर कैन डील्स विद द इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स ज द एडवाटेज ऑफ यूजिंग द सोल्वर किया गया है, है? तो आइए चलिए चलते हैं ओपन ऑफिस के अंदर में और वहां पर चल के देखते हैं सोल्वर को हम कैसे करेंगे लुक एट दोल्वर मैंने दो सिचुएशन यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं दो कंडीशन है केस वन और केस टू केस वन के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला कंडीशन आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हो यहाँ पे दो स्कीम है एक मिड कैप एक स्मॉल कैप इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे जीरो रुपीज है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ पे भी यही फार्मूला लगा है, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई हंड्रेड करके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ भी ये सी सेवेंटी है यानी कि सेवेंटी का जो टोटल टोटल अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट हमने यहां कर दिया ठीक है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया इसमें से जो वैल्यू माइनस करके बचेगा वो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो है तो आइए मैं सॉल्वर को यूज करके मान लीजिए कि मैं टूल्स मेनू के अंदर चलते हैं और सॉल्वर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ टारगेट सेल क्या है टारगेट सेल हमारा ये है 73 सबसे पहले मैंने कर्सस को इसको सरिंग किया सरिंग करने के बाद यहाँ इस पे क्लिक कर दिया फिर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई रिजल्ट जो है वो वन हो जाए हमारा कितना रिजल्ट चाहिए हमें हमें वन चाहिए कि इंटरेस्ट अमाउंट वन थाउजेंड हो बाय चेंजिंग सेल कहां सेल होगा तो इन्वेस्टेड वैल्यू में मैं चेंज करना चाहता हूं इसको स्विंग करिए और यहां पे क्लिक करके फिर आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए उसके बाद आता है सेल रेफरेंस लिमिटिंग कंडीशंस एक्चुअली ये है जो आप डिफाइन कर सकते हो क्राइटेरिया आप लगा सकते हो कि यहां पे अगर आपको कोई क्राइटेरिया लगाना है कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो है मान लीजिए मैंने ये किया यहाँ पे क्लिक किया मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 4000 से ज्यादा हो ठीक है लेस देन इक्वल टू का भी कंडीशन आप यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं मान लीजिए 8000 से कम हो और अब मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं तो जैसा कि आप सॉल्व करके देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने हमें सॉल्व करके बता दिया कि अगर आप यहाँ पे 5000 थाउजेंड अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे एक साल के इंटरेस्ट के लिए तो आपको 400 सौ यहाँ पे ऑलमोस्ट छह तो टोटल हजार आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो दिस इज द यूज ऑफ द सॉल्वर कांस्टेंट आप समझ गए होंगे कांस्टेंट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो कि वैल्यू कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए ठीक है आइए अब दूसरी कंडीशंस को देखते हैं सपोज कीजिए ये प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम है और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है

बाई चेंगे किस में चेंज करना है तो मैंने कहा भाई कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि मुझे नाइन थाउजेंड चाहिए मैं कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहता हूं तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया सिंपली हमारा देखो यहाँ पे एटीन थाउजेंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ ये हमारा काम

फॉर्म में तो हो कि greater than five greater than equal to कर तो करके दिखाओ देखो आप को सकते हैं। मैंने दस हजार कर दिया तो दस हजार करके कर देख सकते हैं कि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो मतलब सॉरी टाइम क्या होगा तो ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिस इज अबाउट द सोल्वर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक लिए अपना ख्याल केयर